हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। मैं अजय चौरसिया आपको प्रतिदिन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की 2023-24 में पब्लिश की हुई बुक के अकॉर्डिंग कोर्स करा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन समाकलन, उसमें मैंने पिछले वीडियो में 7G तक एक्सरसाइज फिनिश करा दी थी। आज के इस वीडियो में आप 7H सीखेंगे। तो चलते हैं बेटा 7H का पहला सवाल। पहले सवाल दिया हुआ बेटा 10 1 प्लस log x ओवर x और dx। ठीक है बेटा, आपको पहले से पता मैं उस राशि को मानता हूँ जिसका अवकलन हमारे क्वेश्चन में रखा हो। तो देखो बेटा, log x का अवकलन एक होता है x, तो आप इसमें मान लीजिएगा लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टी, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी के रिगार्ड में डिफरेंशियल 1 का 0, x का log x का 1 अपॉन x और x का dx इज इक्वल dt। आप देख रहे हैं dx ओवर x हमारा क्या हो गया dt, और यहाँ आपका क्या हो गया tan t, चूँकि इसको मैंने t माना था, tan t dt। अब इसका आप लिख सकते हो log sec t। ठीक है बेटा, या माइनस का log cos t एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो log मॉड में sec और t मैंने माना था 1 प्लस log x को, 1 प्लस log x और प्लस c। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप ये कंप्लीट प्रश्नावली आज के इस वीडियो में सीख जाएंगे। 10x ओवर log sec x, तो जो हर में दिया हुआ उसको आप t मान लीजिए, लेट log sec x इज इक्वल टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन ये sec x हो गया। अब sec x का करेंगे तो sec x इंटू 10x और dx इज इक्वल dt। तो देखिए ये कट गया, अब 10x dx इस जगह क्या हो गया dt, तो dt बाई टी इसका मतलब यह हो गया log t और प्लस c, तो log t मैंने माना log sec x, तो यहाँ लिख सकते हो log sec x। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ब्रेकेट बना दो, इसमें मॉड लगा दो, ठीक, प्लस c। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ 2 cos x माइनस 3 sin x ओवर 6 cos x प्लस 4 sin x और dx। देखो बेटा, हर को आप t मान लीजिएगा, ये 6 दिया हुआ, लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टी, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी किया तो 6 cos का हो गया माइनस sin x, तो 6 माइनस sin x प्लस 4 sin का हो गया cos x और इनटू में dx इज इक्वल dt। ध्यान दीजिएगा, दो इसमें से दो कॉमन ले लीजिएगा, तो देखो इसको आप लिख सकते हो माइनस का 3 sin x प्लस 2 cos x और इंटू 2 इज इक्वल dt, तो इसको dt बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसमें दो कॉमन लेके बटे में पहुँचा दिया, तो 2 cos x माइनस 3 sin x और dx, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल लिख सकते हैं dt बाई 2, तो 1/2 dt और ये हो गया t, तो फाइनली आपका हो गया 1/2 log t और t का मान रख दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल हो गया बेटा क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रयास करिए स्वयं सॉल्व करिए। और बेटा इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस एक्सरसाइज में 3-4 प्रश्न ऐसे भी हैं जो कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे, नोट करो जल्दी। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखिएगा दिया हुआ इंटीग्रेशन sec x ओवर log
sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स और dx। आप देख रहे बेटा इस पूरे का अवकलन अंश में रखा है, कैसे रखा चेक कर लो। देखो लेट log sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल, आपने t मानना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t किया तो log x क्या हो गया वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, क्लियर। अब हम करेंगे sec x का, तो sec x का आएगा sec x इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का करेंगे आएगा sec स्क्वायर x और dx इज इक्वल dt। देखिए ऊपर sec x कॉमन है तो यहाँ हो गया टेन एक्स प्लस sec x और dx ओवर sec x प्लस टेन एक्स, क्लियर, और इज इक्वल dt, ये आपका कट जाएगा। तो sec x dx इज इक्वल dt, sec x dx dt, ये हो गया t, तो dt ओवर t, तो फाइनली आपका हो गया log t और प्लस c। तो देखो बेटा log, और चूंकि t मैंने माना था log sec x प्लस टेन एक्स, तो यहाँ ब्रिकेट लगा दीजिएगा और यहाँ मॉड लगा दीजिएगा, sec x प्लस टेन एक्स और मॉड और प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया, वेरी ब्रेकेट बंद हो गया, क्लियर बेटा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैंने कहा एक आध प्रश्न ऐसा भी है जो अच्छा, जैसे ये भी कई बार आया एक आध नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x वो भी रूट में दिया हुआ है और इंटू कॉस 2x और dx। देखो बेटा साइन 2x कॉस 2x dx, तुम इसको t मान लें, लेट साइन 2x इज इक्वल टी, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो साइन का हो गया कॉस 2x और 2x का 2 और dx इज इक्वल dt। तो आप देख रहे हैं बेटा कॉस 2x और dx इज इक्वल आया 1/2 dt, 1/2 dt हो गया, 1/2 यह हो गया अंडर रूट टी और dt। अंडर रूट टी का मतलब t पे पावर 1 बटा 2, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 और 3/2, क्लियर, 2 से 2 कट गया और प्लस सी लिख दीजिएगा, तो 1/3 और t का मान रख दीजिएगा साइन 2x इस पे पावर 3/2 और प्लस सी। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, केवल मान के काम चल गया। यह सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, हल्का सा इन्होंने टेक्निकल बनाने की कोशिश की है नहीं टेक्निकल कोशिश की है बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। देखो बेटा आपका जब साइन कॉस टेन है, तो यदि टेन है तो आप देख लो कि टेन एक्स मानने से सेक स्क्वायर एक्स अवकलन आता है, तो इसमें आपका सेक स्क्वायर हो जाए, तो हर में भी टेन बना लो। देखो बेटा इसे मैंने क्या किया, कॉस एक्स का गुणा कर दिया और कॉस एक्स का भाग दे दिया, तो यह हो गया अंडर रूट टेन एक्स ओवर, देखो यह मान टेन एक्स हो गया, इसको लिख दीजिएगा टेन एक्स, और यह हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, सिंपल। देखिए बेटा इससे इसको काटेंगे तो बटे में अंडर रूट टेन एक्स रह जाएगा, क्लियर, और 1/ कॉस स्क्वायर इसको अंश में लिखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, सवाल हो गया। फिर समझिएगा मैंने क्या किया, कॉस एक्स का गुणा और कॉस एक्स का भाग कर दिया, ये टेन बना लिया कॉस स्क्वायर, अंश में जाएगा सेक स्क्वायर ओवर, अब टेन एक्स अंडर रूट और नीचे टेन एक्स, तो इसको काटेंगे तो रूट टेन एक्स रह जाएगा, लेट टेन एक्स इज इक्वल टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इज इक्वल डी टी, तो ये आपका क्या हो गया डी टी, तो फाइनली डी टी बटे रूट टी। ठीक है बेटा, रूट टी का मतलब टी पे पावर, बटे में 1/2, अंश में लिखेंगे -1/2, तो -1/2 प्लस 1, तो ये आपका सॉल्व होके आएगा 2√t और प्लस सी, तो 2√10x और प्लस सी, सिंपल। कई बार आप ऐसे सवाल कर चुके हैं, इसको नोट करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए, अच्छे प्रश्न हैं, आप अभी प्रश्नावली कंप्लीट सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, नोट करिए जल्दी जल्दी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है,
अब थोड़े से क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ेंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर वन प्लस कॉट एक्स, क्लियर? तो लेट वन प्लस कॉट एक्स इक्वल टी मान लीजिएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी कीजिएगा तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल डी टी आ गया। तो आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस डी टी, तो यहाँ पे आप लिख दोगे माइनस डी टी ओवर टी, तो ये लॉग टी हो जाएगा, टी का मान रख दीजिएगा। अब आप इसको स्वयं हल करिएगा, ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर आठ, आठ में दिया हुआ है साइन एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक? देखिए बेटा, कॉस का अवकलन साइन होता है, इस पूरे में आप मान लीजिए कॉस का माइनस साइन होता है, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स को टी मान लो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी किया तो ये जीरो हो गया, कॉस का माइनस साइन तो ये प्लस का साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल डी टी। तो देखिए बेटा, ये हमारा फिनिश हो गया। यहाँ लिख सकते हैं डी टी, तो अंडर रूट टी और डी टी, टी पे पावर 3/2 / 3/2 हल कर लीजिएगा और टी का यह मान रख दीजिएगा। सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर नाइन, में दिया हुआ है ई पे पावर 2x और प्लस ई पे पावर माइनस 2x ओवर ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस 2x और डी एक्स। देखिए बेटा, हर का अवकलन, सॉरी, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, ठीक है बेटा? आप देख रहे हैं हर का अवकलन अंश में रखा है, तो अवकलन कर दीजिएगा। लेट ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर माइनस 2x इक्वल टी मान लीजिएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी किया, ई पे पावर 2x और 2x का 2, ई पे पावर माइनस 2x का और माइनस 2x का माइनस 2 और इनटू में dx इक्वल dt, तो दो कॉमन लेके उधर बटे पहुंचा दो, तो आपका रहेगा ई पे पावर 2x, ई पे पावर माइनस 2x और dx इक्वल 1/2 dt। तो देखिए बेटा, इतना वैल्यू आपका हो गया 1/2 dt, 1/2 dt और ओवर t, तो अगले स्टेप हो जाएगा log t और t का मान रख दीजिएगा। सिंपल है बेटा, सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है? नोट करो जल्दी जल्दी। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया इंटीग्रेशन 1/1 cot x। अभी पीछे प्रश्नावली में मैंने आपको चार क्वेश्चन बताए थे, जैसे 1/1 cot 1/1 cot x, 1/1 tan x और 1/1 tan x। इन चारों क्वेश्चंस का एक ही प्रोसेस है। सबसे पहले साइन और कॉस में तोड़ेंगे, साइन कॉस में तोड़ने के बाद जो हर में यदि कॉट होगा तो हर में साइन आएगा, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो अंश में साइन आ जाएगा, क्योंकि बटे में जो बटे के बटे आएगा वह ऊपर आ जाएगा। अभी देखते हैं, तो अंश में साइन या कॉस जो आ जाए उसी में 2 × 2 भाग करेंगे, सभी में एक ही प्रोसेस। तो देखो बेटा, करके दिखाते हैं, पीछे मैंने किया भी था, इसको लिख सकते हो कॉस ए ओवर कॉस एक्स ओवर साइन एक्स और डी एक्स। एलसीएम लिया तो देखिए यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स, ओवर साइन एक्स, ठीक है? और डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, यह साइन एक्स अंश में जाएगा, तो आप लिख सकते हो साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह टेन होता तो यहाँ साइन बटे कॉस होता तो अंश में कॉस आ जाता, माइनस होगा तो माइनस रहेगा, प्लस होगा तो प्लस रहेगा, यानी कि चारों का एक ही पैटर्न है। तो आपको हर सवाल में यहाँ पर 2 × 2 करना, 2 × 2 भाग करना है। सिंपल, 2 × 2 किया, 2 × 2 भाग कर दिया। भाग वाले 2 को इस तरह लिख दीजिएगा, यह जो 2 sin x आया है इसको लिख दो sin x + sin x, 2 बार लिख दो, कोई दिक्कत? उसके बाद cos x को आप एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यानी मैंने cos x जोड़ा और घटा दिया तो कोई फर्क नहीं,
और बटे में है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स। सिंपल हर सवाल, जब बेटा यहाँ पे टेन अंगीयद होता तो आपका अंश में कॉस आता तो हम साइन एक्स को जोड़ते और घटाते। तो इन स्टेप्स को याद रखिएगा, चारों सवाल हो जाएंगे। अब दो पार्टों में तोड़ लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक साथ कर लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक साथ कर लिया, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एक ब्रेकेट में हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको एक साथ कर लिया। ये जो हर है बटे वाला पार्ट, ये दोनों के बटे होगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सिंपल और डी एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ चाहो कोष्टक बना दो, ये कट गया। तो इंटीग्रेशन वन बाई टू, इसको आप अलग कर लीजिएगा, तो वन डी एक्स प्लस वन बाई टू। अब यहाँ पर हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आप लेट कर लीजिएगा, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिगार्ड में डिफरेंशियल किया, तो साइन का हो गया कॉस एक्स और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल डी टी। जबकि मेरे पास अंश में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ आ गया कॉस, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया तो यह हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल माइनस डी टी। तो देखो बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स इस जगह हो गया माइनस डी टी, माइनस आगे लिख दो। अब देखो वन बाई टू, ये आपका एक्स हो गया, यह माइनस आ जाएगा माइनस वन बाई टू। सिंपल, ये हो गया डी टी ओवर टी, डी टी ओवर टी। ठीक है, इंटीग्रेशन तो एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू, यह हो गया लॉग टी और प्लस सी, तो x बाई टू माइनस वन बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t माना, तो यहाँ मॉड में लिख दीजिएगा साइन x प्लस कॉस एक्स और प्लस c। बिल्कुल सिंपल है बेटा। कहने का अर्थ ये है कि मैंने कहा कि चार क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रत्येक में जब cot होगा तो अंश में साइन आएगा, tan होगा तो अंश में cos आएगा। यहाँ दो का गुणा दो का भाग सभी में करना है, इसको दो पार्टों में लिखना है, और ये क्वेश्चन में हमारे साइन आ रहा है तो कॉस जोड़ना घटाना है, और कॉस आ रहा है तो साइन जोड़ना और घटाना है। इसके शॉर्ट लीजिएगा बेटा, सॉल्व करिएगा, हो गया क्वेश्चन। सिंपल है, बस आपको केवल नोट करना है, जल्दी जल्दी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ sec x log sec x plus tan x और dx। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप, उसमें आपने इसको t माना था, तो sec x और dx आपका dt हो गया था, तो t dt उसमें बटे में मान था तो एक बटा टी आया, तो यहाँ आएगा टी डी टी, तो टी स्क्वायर बाई टू और प्लस सी और इसका स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल कर लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन चार की तरह है। आप सही, आपको इसको टी मानना है, सेक एक्स डी एक्स खत्म हो जाएगा तो टी डी टी आएगा। क्लियर, स्वयं करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर दिया हुआ इंटीग्रेशन एक बटे कॉस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी, ठीक, और डी एक्स। सही है, इसको तो आप सेल्फ करिएगा, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी पीछे एक सवाल आया था जिसमें आपने साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ मुझे ध्यान यह रखना है, यदि दोनों कॉस आ जाए जैसे क्या फीलिंग आनी चाहिए वह समझ लो। जैसे बेटा मान लो कॉस ए कॉस बी आ जाए या साइन ए साइन बी आ जाए, मतलब दोनों कॉस आ जाए दोनों साइन आ जाए, ठीक, तो आपको साइन ए माइनस बी का गुणा और भाग करना होता है।
जब एक साइन और एक कॉस आ जाए, मतलब कोई पहले हो कोई बाद में, जब साइन कॉस आ जाए तो कॉस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, यह ध्यान रखिएगा। जैसे साइन ए कॉस भी आ जाए या कॉस ए साइन भी आ जाए, कहने का अर्थ ये है कि जब दोनों कॉस या दोनों साइन एक साथ हो तो साइन ए माइनस बी का गुणा और भाग करना है। जब एक साइन एक कॉस हो, अब ऐसा क्यों करते हैं भी समझ लो। जब बेटा जैसे यहाँ एक कॉस एक साइन है, अगर हम इसको लिखेंगे कॉस में, तो कॉस में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस या माइनस साइन ए साइन बी, तो एक पार्ट हमारा कट जाएगा। तो इसलिए यह दो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे दोनों कॉस आ जाएँ दोनों साइन आ जाएँ तो आपको साइन ए माइनस बी का गुणा और भाग करना है, और कोण अगर माइनस में दिया हुआ तो प्लस कर देना, वो बाद की बात है। यहाँ पर देखिएगा, ये अगर दोनों साइन आ जाएँ दोनों कॉस आ जाएँ तो आपका साइन ए माइनस बी, कॉस और साइन कोई पहले कोई बाद में, तो आपको कॉस ए माइनस बी का गुणा और भाग करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो बेटा आपको क्या करना है, एक बटे कॉस ए माइनस बी, यहाँ लिखेंगे कॉस ए माइनस बी डी एक्स। क्या किया मैंने, कॉस ए माइनस बी का गुणा कर दिया और भाग कर दिया, हर में दिया है कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। बहुत सिंपल है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना, वन अपॉन कॉस, वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। देखो बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉस ए माइनस बी था, मैंने अपनी तरफ से एक्स जोड़ दिया एक्स घटा दिया, एक्स जोड़ दिया एक्स घटा दिया, तो कॉस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी और डी एक्स, सिंपल, इसमें एक्स जोड़ा और एक्स घटाया। अब देखो बेटा, वन अपॉन कॉस ए माइनस बी, ठीक, कॉस ए माइनस इंटीग्रेशन, देखो इसको मैं इतना मिटाई दे रहा हूँ, बस ध्यान ये रखिए, फिर समझ लीजिएगा, दोनों कॉस दोनों साइन यदि साथ साथ आए तो साइन का ऊपर नीचे गुणा करना है, एक कॉस एक साइन हो तो हमें कॉस का गुणा करना है। अब देखो बेटा यहाँ कॉस, यहाँ पर मंझला कोष्टक लगा लूँ, इन दोनों के एक साथ लिख लूँ तो एक्स प्लस ए हो गया, एक्स प्लस ए, क्लियर। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो गया, एक्स प्लस बी हो गया, मंझला कोष्टक बंद। बट फिर समझिएगा, एक्स प्लस का ए प्लस का एक्स प्लस ए, माइनस बी माइनस एक्स, तो दोनों में आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स है ओवर कॉस एक्स प्लस ए और इंटू साइन एक्स प्लस बी। अब आप ऊपर क्या करेंगे, अंश में कॉस ए प्लस बी का सूत्र लगाएंगे, तो देखिए यह तो आपका कांस्टेंट के रूप में बाहर रखा है, यहाँ लिखोगे कॉस ए कॉस बी, अब माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन ए और साइन बी और इनटू में डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बना दो, अंश में सूत्र लगा दिया कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बटे कॉस एक्स प्लस ए साइन, अब ये दोनों के अलग अलग बटे कर दो, भाई हर में ही तो है डिवाइड में है, तो दोनों के अलग अलग बटे कर दो, कॉस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, सिंपल। अब देखो बेटा यहाँ एक एक पार्ट कट जाएगा, कॉस एक्स प्लस ए कट गया, यहाँ देख लो बेटा यहाँ साइन एक्स प्लस बी कट गया, सिंपल, वन अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन, कॉस बटे साइन आपका क्या हो गया, कॉट हो गया, तो इसको आप लिख दो कॉट एक्स प्लस बी, सिंपल, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन बटे कॉस ये क्या हो गया आपका टेन, ठीक है बेटा, टेन एक्स प्लस ए, टेन एक्स प्लस ए, ठीक, और प्लस सी। अब देखो बेटा एक कॉट है एक टेन है, तो वन अपॉन कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी
कॉट का होता है लॉग साइन एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कॉट कॉस बटे साइन, साइन को टी मानेंगे तो कॉस एक्स टी एक्स, तो लॉग साइन एक्स हो गया प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, टेन एक्स को अगर हम लिखते हैं, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, तो या तो लिखिए लॉग सेक एक्स या माइनस का लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, ये दोनों बातें आपको समझने की हैं। क्या करना मुझे, या तो टेन एक्स का लॉग सेक एक्स लिख दो या माइनस लॉग कॉस एक्स, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बटे एन हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन लिख सकते हो, वन अपॉन कॉस ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा लॉग लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बटे एन हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी ओवर कॉस एक्स प्लस ए, और इस पर मॉड लगा दो, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यह मान लीजिएगा मैं प्रतिदिन आपको एक प्रश्नावली कंप्लीट करके दे रहा हूँ, तो यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड करते रहे, अगले 10-15 दिन में इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा, बीच बीच में मैं आपको अच्छे प्रश्न भी वन शॉट दे रहा हूँ एग्जाम के लिए, तो आप निरंतर यदि आप प्रयास करते रहे और हमारी डेली शाम को 8 बजे क्लास लेते रहे, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से मैथ में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, 7H के बाद अपनी आई एक्सरसाइज आएगी, उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।